सो वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है जनरल इंटेलिजेंस के तीसरे क्लास में। आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानने जा रहे हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। हम लोग जितना कुछ जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ देखने की, फल सब्जी जानवर सामान सभी चीजें किसी न किसी चीज से बना होता है। ठीक है, प्रकृति की सभी वस्तुओं को एक डायग्राम द्वारा एक दूसरे से जोड़कर दिखाना ही क्या कहलाता है, आपका वेन डायग्राम कहलाता है। इस वेन डायग्राम की खोज किसने की थी, तो जॉन वेन ने की थी। इनके नाम के कारण इसका क्या नाम पड़ा, वेन डायग्राम रखा गया है। वेन डायग्राम को तीन तरह से दर्शाया जाता है। पहला, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा मतलब जैसे हो गया चावल, चावल किस में आता, अनाज में, खाने की वस्तुओं में, तो इसको हम लोग अंदर मान सकते हैं। ये चावल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, रोटी हो गया, ये क्या हो गया, खाने की वस्तु, खाने की वस्तु। या फिर उसके अंदर और भी हो सकता है, जैसे तोता, तोता हो गया अंदर वाला, बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षी बोल देते हैं, पक्षी के अंदर ही तोता आता है। ये हो गया पहला आपका। दूसरा क्या होता है, कुछ अंश, मतलब पूरी तरीके से नहीं बट कुछ भाग उसमें आता है। इसमें ज्यादातर प्रोफेशनल वर्क होता है, जैसे कि कोई इंजीनियर वो बैंक में भी नौकरी कर सकता है, वो लॉयर भी बन सकता है, या फिर कोई डॉक्टर वो पीएचडी भी किए हुए हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई साइंस लेके कॉमर्स भी पढ़ सकता है, कोई आर्ट्स लेके आपका यूपीएससी का तीन, इसमें अधिकतर प्रोफेशनल वर्क ही आते हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या दिया हुआ है, उनके बारे में देख ले। पहले वाले का, इसके अंतर्गत एक वर्ग के अंदर दूसरे वर्ग को पूर्ण रूप में समेत किया गया है, समेत मतलब अंदर में डाला गया है। ठीक है, लेकिन मिला जुला नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता नहीं है। जैसे कि चावल, चावल किस में आता है, खाने की वस्तु मतलब भोजन में। दूसरे की ओर कहा गया है, दिया गया जो डायग्राम है वो क्या कहलाता है, कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्ण रूप में सहमित नहीं है, पूरे रूप से नहीं है बट कुछ अंश इसका इसके अंदर है। जैसे टीचर और डॉक्टर, कोई आपका टीचर डॉक्टर हो सकता है, कोई आपका डॉक्टर भी टीचर हो सकता है, हो सकते कि नहीं। और तीसरा वाला, तीसरे वाले में तो बिल्कुल ही अलग, इसमें क्या दर्शाया गया है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में सहमित ना है, ना ही मिला जुला है, मतलब बिल्कुल ही अलग। कोई भी ऐसी वस्तु आप ले लीजिए, जैसे पेड़ जमीन, आकाश पाताल, हवा आग, वो दोनों एक दूसरे में मिल नहीं सकता। तो ये तीन तरह के आपका वेन डायग्राम होता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। कुछ डाउट हो तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।